ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर के चयन को लेकर उठे विवाद के बीच एक वरिष्ठ नौकरशाह ने सिविल सेवाओं में दिव्यांगों के लिए आरक्षण की जरूरत पर सवाल उठाया है। तेलंगाना वित्त आयोग के सदस्य सचिव स्मिता सभरवाल ने कहा कि जमीनी काम की मांग के कारण दिव्यांगों के लिए नौकरी करना कठिन हो जाता है। दिव्यांगों के प्रति पूरा सम्मान रखते हुए स्मिता सभरवाल ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा, क्या कोई एयरलाइन दिव्यांग को पायलट के काम पर रखती है या आप दिव्यांग सर्जन पर भरोसा करेंगे। साल 2000 में तेलंगाना कैडर से आईएएस अधिकारी सभरवाल ने कहा, आईएएस की एक फील्ड जॉब वर्क है, लंबे समय तक काम करने वाले घंटे, लोगों की शिकायतों को सीधे सुनना है, जिसके लिए फिजिकली फिट होना जरूरी है। इस प्रीमियर सेवा को पहले स्थान पर इस कोटे की आवश्यकता क्यों है? सभरवाल की पोस्ट पर मिली जुली प्रतिक्रियाएं अब सामने आ रही हैं, लेकिन एक यूजर ने आईएएस की बात से इत्तेफाक न रखते हुए उन दिव्यांग अधिकारियों का उदाहरण रखा जिन्होंने अपने क्षेत्र में देश के लिए अहम योगदान दिया है। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, ये एक ऐसा दयनीय और बेकार दृष्टिकोण है। ये देखना दिलचस्प है कि नौकरशाह अपने सीमित विचारों और अपने विशेषाधिकार को कैसे दिखा रहे हैं। एक अन्य पोस्ट में चतुर्वेदी ने कहा, मैंने नौकरशाहों को EWS या फिर नॉन क्रीमी लेयर या दिव्यांगता जैसे कोटे के दुरुपयोग की आलोचना करते नहीं देखा है और ना ही सिस्टम में घुसने की, बल्कि विविधता और समावेश को बढ़ावा देने वाले आरक्षण को खत्म करने की आलोचना करते देखा है। मुझे नहीं पता कि सेवा में बिताए गए वर्षों की संख्या के बारे में आपका कहना आपके मुद्दे से कैसे प्रासंगिक है, फिर भी धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील करुणा नंदी कहती हैं कि मुझे आश्चर्य है कि एक आईएएस अधिकारी दिव्यांगता के बारे में इतना अनभिज्ञ हो सकती हैं। अधिकांश दिव्यांगों की सहन शक्ति या बुद्धिमत्ता पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन ये पोस्ट दिखाता है कि ज्ञान और विविधता की बहुत आवश्यकता है। करुणा नंदी के ट्वीट पर सवाल देते हुए स्मिता सभरवाल ने लिखा, मैडम मैं नौकरी की जरूरतों से पूरी तरह वाकिफ हूँ, यहाँ मुद्दा जमीनी नौकरी के लिए उपयुक्तता है। साथ ही मेरा दृढ़ विश्वास है कि सरकार के भीतर अन्य सेवाएं जैसे डेस्क या थिंक टैंक प्रकृति अच्छी तरह से अनुकूल है, कृपया निष्कर्ष पर न पहुंचे। कानूनी ढांचा समानता के अधिकारों की समग्र सुरक्षा के लिए है और इस पर कोई बहस नहीं है। NCPEDP के ट्रस्टी अरविंद गुप्ता ने स्मिता के एक्स पोस्ट पर कहा, NCPEDP के ट्रस्टी के रूप में हम दिव्यांग लोगों की ओर से किए गए हजारों अच्छे परिणाम देखते हैं, जो कई मायनों में प्रेरणादायक भी हैं। उन्होंने आगे कहा, NCPEDP ने विकलांग लोगों को UPSC में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और हम उन्हें जागरूकता की कमी के कारण प्रतिदिन संघर्ष करते हुए देखते हैं। यदि एक सार्वभौमिक परिस्थिति की तंत्र दिया जाए तो दिव्यांग साधारण व्यक्ति समान आधार पर मुख्य धारा के समाज में योगदान दे सकते हैं। अब समय आ गया है कि हम 20 करोड़ भारतीयों को बेहतर भारत में योगदान देने से रोकने के बजाय खुद को शिक्षित करें। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।